हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, आज के सेशन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम फॉर्म्स कैसे डिजाइन करते हैं। इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि हमें कुछ सिंबल्स एंड और कुछ ऐड करना होता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर कोड होते हैं। तो उन कोड की हेल्प से हम लोग जो वर्ड्स ऐसे होते हैं, कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते, तो विद द हेल्प ऑफ दीज कोड और वैल्यूज हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आज हम टॉपिक में देखेंगे कि फॉर्म क्या होता है, तो विद डायरेक्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि फॉर्म कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक फॉर्म का कोड डिजाइन कर लिया है और इसका एक आउटपुट हम देख लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट डिस्प्ले होने वाला है। तो हम लोग ये वाला फॉर्म आज डिजाइन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट नेम हम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैटेगरी चूज करेंगे, मेल है या फीमेल है, एड्रेस ऐड करेंगे, इन केस कोई सब्जेक्ट आपको ऐड करना होता तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि जो आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, सेम वैसा ही फॉर्म हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे। कैसे कोडिंग के थ्रू करते हैं वो हम वन बाय वन समझते हैं। तो ये किसका पार्ट है? ये HTML में फॉर्म का पार्ट है, जिसके थ्रू हम लोग फॉर्म को डिजाइन करते हैं एंड एट द लास्ट बटन को रीसेट या सबमिट भी करते हैं। सबमिट की हेल्प से हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, रीसेट की हेल्प से हम लोगों ने जो फॉर्म टाइप किया है उसको हम फिर से रीसेट कर देते हैं। तो डायरेक्टली मैं प्रोग्राम से समझते हैं कि फॉर्म एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले प्रोग्राम में क्या लिखा है, HTML हेड लिखा है, टाइटल हेलो। इस फॉर्म का नाम सपोज कि मैं यहाँ पर हेलो की जगह फॉर्म ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्म ले लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट में क्या किया है, बॉडी। तो बॉडी में बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया सियान कलर एंड टेक्स्ट का कलर दे दिया रेड, जो कि आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। इसका बैकग्राउंड कलर पूरा सियान हो चुका है और टेक्स्ट का कलर यहाँ पर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है, ठीक है। तो इतना काम आपको क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगी, इसका एक पर्टिकुलर टैग होता है जो कि हम फॉर्म टैग का ही यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म टैग को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख रही हूँ। फर्स्ट नेम सिंपल स्टेटमेंट ही लिखा है मैंने। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे को फर्स्ट नेम मैंने लिखा है वो एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स मुझे यहाँ पर डिजाइन करना है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पर एक टैग होता है, इनपुट टैग, और उसका एक एट्रीब्यूट है टाइप, यानी कि आप इनपुट क्या कर रहे हो, यानी कि इनपुट किस टाइप का कर रहे हो। तो मैं इनपुट टेक्स्ट टाइप का कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसके थ्रू एक इनपुट बॉक्स ले रही हूँ, जो कि जिसके अंदर मैं क्या डालूंगी, टेक्स्ट ऐड करूंगी, ठीक है। जिसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होए, 50, यानी कि जो इसके अंदर अल्फाबेट लिख रही हूँ ना, वो मोर देन 50 ऐड नहीं कर सकता। यानी कि अगर 51 डालू तो वो उसमें ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है। 51 टोटल अल्फाबेट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और साइज का कितना ले लिया मैंने, 30 ले लिया। सपोज कि मैं इसका साइज चेंज कर देती हूँ, 10 कर देती हूँ। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखो इसका साइज छोटा हो गया, ठीक है। तो ये है इसका साइज का यूज एक्चुअली। तो इसको फिर से 30 कर देती हूँ और मैक्सिमम लेंथ सपोज कि मैं एक बार 5 कर देती हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अब देखो सपोज कि मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, मैंने लिखा अलका जी, उसके बाद देखो मैं कुछ भी एंटर नहीं कर पा रही हूँ, मैं टाइप कर रही हूँ यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये मोर देन 5 वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन डाल दी, एक वैलिडेशन लगा दिया यहाँ पर। तो उसको फिर से मैं 50 कर देती हूँ, ठीक है। एट द लास्ट ये br टैग लगाया है जो लाइन को ब्रेक करने का काम करेगा। अगर मैं लाइन को ब्रेक नहीं करूंगी तो नेक्स्ट वाली लाइन मेरी इसी के आगे स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया फर्स्ट नेम का। अब हम आते हैं लास्ट नेम पे। सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो एज इट इज ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट ही लिया है, क्योंकि लास्ट नेम भी हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग टेक्स्ट ही डालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है और मैक्सिमम लेंथ 50 की है और साइज मैंने यहाँ पर 30 रखा है, एज इट इज है जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब बच्चों देखो, पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना होता है, तो मुझे लेना क्या होगा, इनपुट टाइप सेम एज इट इज लिया है मैंने, इनपुट मैंने टैग लिया है, टाइप एक एट्रीब्यूट लिया है। इस बार मैं यहाँ पर क्या करूंगी बच्चों, दिस टाइम आई विल ऐड पासवर्ड इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखूंगी, पासवर्ड लिखूंगी और आगे सेम एज इट इज ही है। पासवर्ड की लेंथ 50 50, मोर देन 50 नहीं होना चाहिए और साइज का 30 फिक्स किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड अगर मैंने डाल दिया ना, दैट मीन्स कि अब मैं कुछ भी टाइप करूंगी ना, वो पासवर्ड की फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं। और टेक्स्ट लिखूंगी तो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पर डेटा डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इस पर्पस से हम लोग ये यूज करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है जेंडर, यूज लिखना हमें हमें क्या
सिलेक्ट करना है जेंडर को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप किस टाइप का लेंगे? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग रेडियो टाइप का लेंगे। रेडियो टाइप क्या बोलता है, आइदर आप ये वाला चूज करो, आइदर आप ये वाला चूज करो, क्योंकि आप दोनों एक साथ चूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इस केस में आप दोनों में से एक चूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या लोगे, हमेशा रेडियो बटन लोगे। तो इसके लिए इसका टाइप क्या होएगा, रेडियो होएगा। पर बच्चों साथ में यहाँ पर हमें नाम भी मेंशन करना होता है, नेम एक यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर जो भी वैल्यू आप लिखोगे ना सेम एज इट इज होनी चाहिए। अगर आप जैसे कि मैंने मेल के लिए यहाँ पर जेंडर लिख दिया, फीमेल के लिए भी जेंडर लिख दिया, इन केस अगर मैं इन दोनों में वैल्यूज अलग अलग लिख दूं तो ये दोनों सिलेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है? तो नेम शुड बी सेम इफ यू आर यूजिंग रेडियो बटन, ठीक है? और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मेल एंड फीमेल को जस्ट डिस्क्राइब किया है, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, मेल फीमेल, ठीक है? तो ये ऐसे काम करता है। सेव करके इसको रन करके देखते हैं। अब देखो मेल फीमेल, ये एक टाइम पे एक को ही सिलेक्ट कर रहा है, मोर देन वन को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, कि किसके थ्रू, ये रेडियो बटन के थ्रू, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा रेडियो बटन का। नेक्स्ट हम आते हैं एड्रेस पे। एड्रेस बच्चों हम सिंपल ये भी ले सकते हैं, फर्स्ट नेम वाला, जस्ट लाइक डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट एड्रेस के लिए पर्टिकुलरली ऐसा भी होता है कि हमें थोड़ा साइज बड़ा लेना होता है, तो इन केस अगर मुझे साइज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट एरिया नाम से एक टैग है वो यूज करूंगी, और उसके अंदर पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम को असाइन कर दूंगी। यानी कि रो इतनी, या रो कितनी ले रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5, और कॉलम कितनी ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 अप टू द 40, ठीक है? तो ये मैं यहाँ पर कॉलम ले रही हूँ, और उसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया। अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, एड्रेस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रेस टेक्स्ट एरिया के थ्रू हम लोग रोज एंड कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं, और लास्ट में टेक्स्ट एरिया को बंद कर रहे हैं, यानी कि इतने पोर्शन के लिए ये मेरा जो ये कोड है काम करना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एड्रेस में ये वाली स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है? अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, तो जस्ट मुझे इसे रिमूव करके मेरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करना होता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आता है एड्रेस के अंदर, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट आता है हम लोगों को, सपोज कि मैं कोई फॉर्म भरती हूँ तो मुझे कोई सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, बच्चों ऐसा होता है कि हम मोर देन वन सब्जेक्ट भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं रेडियो बटन तो नहीं ले सकती, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लूंगी, मैं यहाँ पर चेक बॉक्सेस लूंगी, ठीक है? चेक बॉक्स क्या बोलता है, यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन एलिमेंट टुगेदर, ठीक है? और रेडियो बटन क्या बोलता है, यू कैन सेलेक्ट ओनली वन एलिमेंट, ठीक है? और चेक बॉक्स मोर देन वन एलिमेंट यू कैन सेलेक्ट, ठीक है? तो ये डिफरेंस रहता है। तो इस पर सेलेक्ट सब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये सेलेक्ट सब्जेक्ट में मैं क्या करूंगी, एक इनपुट टाइप कर दूंगी। इनपुट टाइप क्या चाहिए मुझे इस पर, चेक बॉक्स चाहिए। तो उस फर्स्ट वाले चेक बॉक्स का नाम क्या दे दिया मैंने, मैथ्स दे दिया। फिर सेकंड चेक बॉक्स का मैंने नाम क्या दे दिया, कंप्यूटर दे दिया। फिर थर्ड चेक बॉक्स का मैंने इकोनॉमिक्स दे दिया। फिर फोर्थ का मैनेजमेंट, फिफ्थ का जावा, एंड द सिक्स्थ वन इज बेसिक लैंग्वेज, ठीक है? तो ये सारे मैंने नाम दे दिए। तो अब आप यहाँ पर देखो, इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है? तो अब आप देखो, वन चूज करना चाहो तो वन करो, टू करना चाहो टू करो, थ्री करना चाहो फोर करना चाहो, फाइव करना चाहो सिक्स के सिक्स करना चाहो, तो सारे कर सकते हो आप। किसी को रिमूव करना तो आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये था चेक बॉक्सेस का यूज एक्चुअली, ठीक है बच्चों? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना हो तो। बच्चों आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम देखा होगा कि हमारे पास ऐसे लिस्ट आती है ड्रॉप डाउन, तो उसमें से हम लोग स्टेट को चूज करते हैं। तो मतलब कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर स्टेट का एग्जांपल लिया है, ठीक है? तो ऐसे कुछ भी चूज करना हो तो मैं किस किस के थ्रू करूंगी, ये मैं करूंगी, पहले मुझे एक ड्रॉप डाउन लेना पड़ेगा। यानी कि एक, अब मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पर, एक सिलेक्ट टैग ले रही हूँ, जिसका मैं एक नेम एट्रीब्यूट है, उसमें मैं क्या डाल रही हूँ कि मुझे ड्रॉप डाउन टाइप का चाहिए, ठीक है? तो उसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर अब मैं वैल्यूज डालूंगी, और वैल्यूज मैं कैसे डालूंगी, ऑप्शन टैग के थ्रू डालूंगी। तो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन का वैल्यू क्या है, राजस्थान, ठीक है? तो राजस्थान मैंने लिख दिया। तो सेकेंड ऑप्शन का वैल्यू क्या है, हरियाणा, तो मैंने हरियाणा लिख दिया।
ऑप्शन थर्ड का वैल्यू क्या है, महाराष्ट्र, तो मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र लिख दिया। तो ये सारा काम मैंने किसके अंदर किया है, सिलेक्ट के अंदर किया है, और हर बार ऑप्शन को ओपन करोगे, हर बार बंद करोगे पर्टिकुलर एक ही स्टेट के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट को ओपन किया, फिर मैंने यहाँ सिलेक्ट को बंद किया, तो मेरा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे, तो आप यहाँ पे हरियाणा चूज कर सकते हो, महाराष्ट्र चूज कर सकते हो, ऐसे कोई भी स्टेट जो आपने मेंशन किए हुए उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को चूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, कभी कभी फॉर्म में ये भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी क्या मोस्ट प्रोबेबली सब में ही होता है आजकल, कि कुछ फाइल्स भी अपलोड करनी पड़ती है, कुछ इमेजेस आपको डालनी पड़ती है, कोई आपका साइन, आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो डालना पड़ता है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक वो टैग है इनपुट टाइप, जिसमें आप क्या मेंशन करते हो, जिसमें आप फाइल को मेंशन करते हो, दैट मींस कि यू आर अपलोडिंग अ फाइल है, और आप लोग यहाँ पर फाइल को अपलोड करने वाले हो जो कि क्या एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करे इमेजेस, यानी कि इमेजेस को वो एक्सेप्ट करे, स्लैश स्टार का मतलब ऑल टाइप ऑफ इमेजेस ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। अब देखो ये बच्चों, मैंने यहाँ पर ये कोटेशंस में लिखा, इसके बाद मैंने एक और स्लैश लगाया है, तो ये इनपुट टैग को डायरेक्टली ऐसे बंद भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो एक टैग को बंद करने का ये भी वे होता है, क्योंकि मुझे इसके बाद कुछ लिखना नहीं है, मैंने डायरेक्टली यहीं पे बोल दिया कि मेरा टैग यहाँ पे, मैंने सारी स्पेसिफिकेशन इसी के अंदर दे दी है, और मेरे टैग को आप इस डबल कोट के बाद यहीं पे बंद कर दो। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनपुट टाइप फाइल है जो कि एक्सेप्ट करेगा इमेजेस, किस टाइप की, स्टार लिखा है, दैट मीन्स की ओल्ड टाइप ऑफ इमेजेस इट विल एक्सेप्टेड हियर, ठीक है। तो ये था इमेजेस के बारे में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, चूज फाइल किया मैंने यहाँ पर, कोई इमेज ढूंढते हैं सिस्टम में, कोई इमेज रखी हुई है कि नहीं है, ठीक है। ये शायद इमेज ही है, ठीक है। तो ये देखो कंप्यूटेक विद अलका इमेज, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ये देखो कंप्यूटेक डॉट जेपीजी आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि फॉर्म को कंप्लीशन के बाद सबमिट या रीसेट तो करना पड़ता है, विदाउट सबमिशन आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। रीसेट आप क्यों करते हो, इन केस की आपको लगे कि आपने काफी गलतियां कर दी है, तो आप एक ये चाहते हो कि मतलब फिर से उसको रीसेट करके फिर से डेटा सारा एंटर करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या लेते हो, फॉर्म को रीसेट करते हो। तो यहाँ पर भी दो टाइप होते हैं, इनके बटन से अलग, इनपुट टाइप एक मैंने रीसेट ले लिया, एक इनपुट टाइप मैंने सबमिट ले लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर बटन से क्रिएट किए हुए ही आते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोग्राम यहाँ पर। अब इसको मैं सेव कर देती हूँ और फाइल को रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर अलका लिखा, गोल्यान लिखा, पासवर्ड रैंडम कुछ भी डाल दिया, मेल लिख दिया, एड्रेस मैंने इंडिया लिख दिया, सब्जेक्ट मैंने कंप्यूटर, जावा एंड बेसिक्स ये चूज कर लिया, एंड महाराष्ट्र मैंने स्टेट चूज कर लिया, फाइल को मैं रैंडम कुछ भी चूज कर लेती हूँ, एंड रीसेट करूंगी तो ये फिर से ब्लैंक हो जाएगा। अभी तो सबमिट पे भी ये पूरा ब्लैंक होएगा, बट सबमिट पे हम एज्यूम करते चलेंगे कि सबमिट पे हमारा डाटा सबमिट हो रहा है, और रीसेट पे हमारा डाटा फिर से ब्लैंक हो रहा है। अब मैं रीसेट पे क्लिक करती हूँ बच्चों, ये देखो फिर से सारे सारे ब्लैंक हो गए, सब कुछ मेरे को फिर से डालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया एंड ये डेटा कर दिया, तो ये मैंने चूज कर लिया एंड देन दिस एंड देन क्लिक ऑन सबमिट बटन, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया, क्योंकि मैंने अभी इसकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं की है, तो ये डेटाबेस मेरे पास सबमिट नहीं होएगा। वे एक्चुअली यही रहता है इसको सबमिशन का। तो बच्चों फॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि फॉर्म हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट ना रहा हो। फॉर्म में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आप लोगों का, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। फॉर्म में एक्चुअली एक एट्रीब्यूट जो कि हम लोगों ने अभी बेसिक एट्रीब्यूट्स देखे हैं यहाँ पर, अलग अलग वैल्यू हो गया, नेम हो गया, टाइप हो गया, ये सारे एट्रीब्यूट्स देखे हैं हम लोगों ने यहाँ पर। बट फॉर्म के भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स, लाइक कि एक्शन एट्रीब्यूट हो गया, टारगेट एट्रीब्यूट हो गया। तो ये क्या है, एक्शन का नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उस टाइम अपने एट्रीब्यूट्स के थ्रू उस टाइम ये अपने एक्शन को परफॉर्म डिफाइन करता है, ठीक है। तो वो आपको अभी क्यों रिप्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो सबमिट के ऊपर कुछ भी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं की है। यूजुअली द फॉर्म डेटा इज सेंड टू अ फाइल ऑन द सर्वर
व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन। यही सेम कॉन्सेप्ट बताया गया है, जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो वो डाटा उसका सर्वर के ऊपर सेंड करता है एज अ फाइल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एक्शन बटन के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट के थ्रू। टारगेट एट्रीब्यूट क्या बताता है? टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्सेज और वेयर टू डिस्प्ले द सबमिटेड डेटा, यानी कि आपने जो डेटा सबमिट किया है वो हमें कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें हमें टारगेट एट्रीब्यूट के ऊपर, टारगेट एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग उसे यूज करते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। टारगेट एट्रीब्यूट में इतनी भी इनकी अलग अलग वैल्यूज भी होती है। अगर बाई चांस आप टारगेट एट्रीब्यूट यूज करते हो तो उसमें आप एज अ अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करोगे, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन अ न्यू विंडो और अ न्यू टैब। और अगर आप सेल्फ पे क्लिक करोगे तो डिस्प्ले का कहाँ होएगा? आपका फॉर्म करंट विंडो पे होएगा। पेरेंट करोगे तो डिस्प्ले इन अ पेरेंट फ्रेम में आपका डाटा डिस्प्ले होगा। टॉप करोगे तो डिस्प्ले इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडोज। तो यानी कि ये अलग अलग वे है कि आपका डाटा कैसे डिस्प्ले हो रहा है, कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यानी कि सेम विंडो पे चाहिए, पेरेंट फ्रेम पे चाहिए, करंट विंडो पे, यानी कि नई न्यू विंडो पे चाहिए, तो वो अलग अलग वे रहते हैं विद द हेल्प ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट। बच्चों इसमें एक होता है मेथड एट्रीब्यूट। यहाँ पर टू टाइप्स के मेथड हम लोग यूज करते हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड। तो मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड। HTTP क्या होता है? जो आप लोग हर साइट पे हम लोग सबसे पहले WWW से पहले लगा हुआ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो HTTP इट स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये स्पेसिफाई करता है HTTP मेथड को जब हम डेटा को सबमिट करते हैं उस टाइम के लिए, ठीक है। द फॉर्म डेटा कैन बी सेंड एज अ URL वेरिएबल। अगर फॉर्म डेटा एज अ सेंड किया गया है, किसके थ्रू क्या सेंड किया गया? URL वेरिएबल के थ्रू किया गया है, दैट मीन्स कि वो गेट मेथड के थ्रू किया गया है। और HTTP पोस्ट ट्रांजेक्शन के थ्रू किया गया, दैट मीन्स कि वो पोस्ट मेथड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। द डिफॉल्ट HTTP कौन सा यूज करता है? डिफॉल्ट HTTP गेट मेथड को यूज करता है। और ये क्या है? URL वेरिएबल जो सेंड करता है, तो वो कौन सा होता है? वो गेट मेथड होता है। तो गेट मेथड एक्चुअली है क्या वो हम देखते हैं। अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द URL, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा URL वेरिएबल्स की यहाँ पर ये बात करते हैं। नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा। यहाँ पर हम प्रीवेसी टाइप का कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, जो सेंसिटिव डेटा है उसके लिए हमें हमेशा पोस्ट मेथड को ही यूज करना होता है। द लेंथ ऑफ URL इज लिमिटेड। अगर आप गेट मेथड को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए URL की लेंथ आपकी लिमिटेड होती है 2048 कैरेक्टर ओनली, ठीक है। एंड गेट इज गुड फॉर नॉन सिक्योर, जो कि अभी मैंने बताया प्रीवेसी कंसर्न्स के लिए अगर हम बात करें तो हमें पोस्ट मेथड को ही यूज करना चाहिए, गेट मेथड को यूज नहीं करना चाहिए। अब पोस्ट मेथड क्या बता रहा है? अपेंड्स द फॉर्म डेटा इनसाइड द बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट। यानी कि ये डेटा को अपेंड करता है, कहाँ से करता है? जो बॉडी के अंदर होता है वो वाला डेटा को फैच करता है, वो वाला डेटा को अपेंड करता है, ठीक है। पोस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि जैसे कि इसमें तो क्या था, URL की कोई लिमिट थी, यहाँ पर इसके साइज की कोई लिमिट नहीं है। आप लोग यानी जितना भी चाहते हैं उतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप लोग यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। और ये कैसा है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है एज कम्पेयर विद गेट मेथड, ठीक है। फॉर्म सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुकमार्क, इसको हम बुकमार्क भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये वाला जो है एक इसका ये एक वे है कि पोस्ट के थ्रू हम लोग बुकमार्क नहीं कर सकते हैं, और इसके थ्रू हमें डाटा सिक्योर नहीं मिलता है, और पोस्ट के थ्रू आप सेंसिटिव डाटा को सेंड करते हो, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो आप इसके थ्रू सेंड करते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें आता है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट एंड नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। तो ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट क्या बताता है? ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीशन ऑन और ऑफ। तो ऑटो कंप्लीशन ऑन ऑफ का मतलब क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो कुछ एक आपके शायद जो आपके कॉलम्स या कुछ बॉक्सेस है वो इन केस कोई एम्प्टी रह जाए तो वो ऑटो कंप्लीशन का अगर बटन ऑन होगा तो उसे ऑटो फिल कर देगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। व्हेन ऑटो कंप्लीट इज ऑन द ब्राउजर ऑटोमेटिकली कंप्लीट वैल्यू बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट द यूजर हैज एंटर्ड बिफोर, ठीक है। तो ऑटो कंप्लीशन ऑन हुआ तो वो डाटा को ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, अदरवाइज फिल नहीं करेगा।
नो वैलिडेट एट्रीब्यूट, यानी कि ये सारे एट्रीब्यूट्स है, जितना आप यूज करोगे फॉर्म उतने आपके वैलिडेशन के लिए आपको जितना आप यूज करोगे उतना का कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो नो वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्या बताता है, एक बूलियन एट्रीब्यूट है यहाँ पर, व्हेन इट इज प्रेजेंट इट स्पेसिफाइज दैट द फॉर्म डेटा यानी कि इनपुट जो हमने किया है शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड, ठीक है, यानी कि जब मैं डेटा को सबमिट कर रही हूँ तो वो वैलिडेट नहीं हो रखा है, यानी कि वैलिडेशन की फॉर्म में वो डेटा मेरा नहीं है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया है बच्चों। तो ये था बेसिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्राफिक्स के बारे में, कैनवास ग्राफिक्स के बारे में। टिल देन आप लोग ये फॉर्म का टॉपिक कवर करें, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली डील कर सकते हैं। थैंक यू।